बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गंदे पानी में आप जितना भी साफ़ पानी मिलाएं तो वो गंदा ही रहेगा, और साफ़ पानी में आप कितना ही थोड़ा सा भी गंदा पानी मिला देना तो साफ़ पानी भी गंदा हो जाता है। तो आप अच्छे लोगों की सोहबत में रहने की कोशिश करें, और ख़राब लोग जो हैं आपको भी ख़राब कर देंगे। तो जी, हमने सिंपल सी बारबेक्यू की भुटियां बनाई थी घर में, ताकि थोड़ा फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया जाए। और जी, हमने जो है आपकी दफ़ा कुर्बानी नहीं की थी, लेकिन एक दो हिस्से लिए थे जो बाटे भी थे अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़ा सा घर में इंजॉय भी किया था। तो आज मैं आपको सिंपल सी बारबेक्यू की बोटी की रेसिपी भी दूंगी, और थोड़ा सा घर में इंजॉयमेंट के लिहाज से बताऊंगी कि हमने छत पे जो हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट की थी, ताकि फैमिली के साथ मज़ा आया था, थोड़ा बैठने का भी मौका मिला था, और सब ने जो है इंजॉय भी किया था खूब सारा। तो हमने कम अज़ कम 4 से 5 किलो बोटी जो है उसकी जो है वो बारबेक्यू किया था। बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस सिर्फ सारी बोटियाँ ली थी। ये मैंने 4 से 5 किलो बोटियाँ ली थी, और जो है बोटियाँ बना ली थी। 4-5 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया था, और इसी तरह 5 से 6 टेबल स्पून हमने जो है इसमें कच्चा पपीता लगाया था। कच्चा पपीता आप जो है ज़रूर पीस के रख लें, ताकि आपके काम आए। और लेमन जूस मिलाया था, लेमन जूस कम अज़ कम हमने 5 से 6 ले लिए थे लेमन के। और दही लिया था पूरा एक पाव या आधा किलो के करीब ले लें आप, दही लगाया था इसमें। और जी, ये चाट मसाला लिया था, 2 टीस्पून चाट मसाला डाला था हमने। और फिर जी, हमने ये क्रश जो है लाल मिर्च है वो डाली थी 2 टीस्पून। ये जो हमारे छोटा सा मुंह नज़र आ रहा है ना, ये मेरा माशाल्लाह से भतीजा है, और 2 टीस्पून ही लाल मिर्च ली थी हमने, और ये भी इसमें डाली थी। और फिर जो नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लीजिएगा, जैसा आपको पसंद हो, जितना आपको पसंद हो। वैसे भी बोटियाँ थोड़ी सी ना चटपटी अच्छी लगती हैं, इसलिए हमने जो है सारे मसाले इसमें ऐसे डाले थे कि खूब मज़ा आए खाने में। और जी, ये हमने टिक्का मसाला लिया था, टिक्का मसाला भी हमने 4 से 5 टेबल स्पून ले लिया था, वो डाला था। और ये मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा भतीजा आप लोगों को कैसा लगा, है ना क्यूट सा बच्चा। और फिर जी, ये सारी चीज़ें मिला के हमने सारे मसाले सिंपल से मिला के, ये देखिए इसकी शरारतें माशाल्लाह से। और जी, ये हमने इसे मिला के कम अज़ कम इसको 6 से 7 घंटे के लिए या तो आप रखिएगा, या फिर आप ओवरनाइट रख दें तो और अच्छी बात है। और ये देखिए, यह हमारा जो है मज़ेदार सा बारबेक्यू शुरू हो गया था, और हम सब फैमिली ने खूब इंजॉय किया था। ये मेरे जो है छोटी जो भाभी है वो जो है लगा रही थी, और जो है भाई जो है इसको सेक रहे थे, और हम लोग मज़े उड़ा रहे थे खूब। दोनों मियाँ बीवी लगे हुए थे बेचारे बनाने में, और हम लोग खूब मज़े उड़ा रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे खा पी कर, और खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सारे भतीजा भतीजियाँ थे, मैं थी, मेरी बहन थी, मेरा भाई था, और मेरी माशाल्लाह से क्या नाम है भाभी थी, और सब लोग माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, ये हमने जो है खूब मज़े से तैयार कर ली थी, और इस प्यारी सी छोटे से ब्लॉग पे मुझे है जो है सब्सक्राइब भी कर दिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे प्यारा प्यारा से फीडबैक भी दिएगा कि आपको मेरा ये छोटा सा क्यूट सा व्लॉग कैसा लगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी चीज़ बनाऊँ या जो भी चीज़ इंजॉय करूँ, अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ।
तो इसलिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी बहुत मज़े मज़े के खाने बनाते हैं और बहुत मज़े की जो है बारबेक्यू किया होगा बनाते होंगे। ये तो बहुत सिंपल सी हमारी एक जो है रेसिपी थी, लेकिन बस हमने इसलिए आपके साथ ये इंजॉय की, शेयर की कि आप भी इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ ये बना के, और हमें भी दुआओं में याद रखें। और मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।